बिजली की चोरी को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना लागू की थी, जिसके तहत बिलासपुर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। बिलासपुर के तिफरा स्थित राम वर्ल्ड कॉलोनी में लोगों के घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाया जा रहा है। बता दें कि इस डिजिटल बिजली मीटर में मोबाइल में लगने वाली सिम की तरह ही एक चिप लगी होगी, जिसमें पोस्ट पेड और प्रीपेड की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक बिजली की आपूर्ति होती रहेगी और जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी। वही यह सेंसर रिचार्ज खत्म होने के पहले उपभोक्ताओं को अलर्ट भी करेगी। इससे बिजली की चोरी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के लिए लाइन भी लगने की जरूरत नहीं होगी। निश्चित रूप से रेवेन्यू का लाभ तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात जो कंज्यूमर को जो लाभ होगा उसको लोगों को, ये लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से मेरा संदेश है कि पब्लिक भी ऐसा ना सोचे कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ होगा इसका। सबसे पहले तो अभी जो हमारे पास आपका 45 दिन का पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा रहता है, वो हम जमा नहीं लेंगे, क्योंकि प्रीपेड में आप उसी महीने का जितना जलाएंगे उतना प्रीपेड पैसा हमको देंगे, तो वो एक लाभ है। और दूसरा विभाग को ये है कि हमारा कैश फ्लो बढ़ेगा, हमारा तुरंत के तुरंत वो पैसा जो आपका एडवांस के रूप में पड़ा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो विभाग को इससे लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन उपभोक्ता को भी इससे लाभ मिलेगा। ये जो RDSS स्कीम है इसमें सिर्फ मीटर लगाना ही हमारा काम नहीं है, जो हमारी व्यवस्था है, जो संसाधन है, उसके उन्नयन का कार्य भी इसी में हो रहा है। और जगह जगह केबल लगाना, तारों को बदलना, एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाना, ये सब इस RDSS स्कीम का ही अंग है। और आप देखेंगे कि आपको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली आगे के दिनों में हम दे पाएंगे। अभी शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेशन पार्ट अभी चल रहा है, जैसे ही होने के बाद में ऑटोमेटिक इसको हम लोग प्रीपेड में कर देंगे, तो पहले से ही आप जितने का रिचार्ज कराएंगे उतनी की बिजली चलेगी, और जितना जैसे ही आप उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा वो आपका मीटर ऑटोमेटिक आपके घर की लाइन को काट देगी। नहीं, ट्रायल बेस पे नहीं, ये तो हमारा प्रक्रिया ही है, हम ट्रायल इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदेश मतलब देश में कई जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है, और ये RDSS योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगना है, पूरे देश भर में लगना है, कई प्रदेश में ये सक्सेसफुल मतलब ये मीटर लगाने का काम पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य कब तक का रखा गया है? लक्ष्य हम लोग धीरे धीरे इसको बढ़ेंगे, वैसे सभी ये कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सारे उपभोक्ताओं को मीटर मतलब ये रिप्लेस करना है, लगभग मेरे ख्याल से 2 साल तो लगे जाएंगे काम करने में। ऐसी खबरों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे स्वरमे टाइम्स। मैं थी आपके साथ कुमुद मिश्रा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।